हाय फ्रेंड, विष्णु की टैक्स 69 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपके पास स्पर्श पीपीओ नंबर भी नहीं है, आपके पास आपका आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, आपके पास जो लिंक अकाउंट है वो भी नहीं है, दोस्तों किस तरीके से अपना पीपीओ नंबर प्राप्त करें, कैसे मैनुअली लाइफ सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें, जीवन प्रमाण पत्र की प्रमाणता किस तरीके से करेंगे, दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप टाइप करेंगे स्पर्श डॉट डिफेंस पेंशन डॉट जी ओ वी डॉट इन। इस तरीके से डालने के बाद दोस्तों सर्च करेंगे। सर्च करने के तुरंत बाद दोस्तों स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से आपके सामने मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा वेबसाइट का। जैसे ही आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ खुलकर आता है तो दोस्तों आप देखते रहिए इम्पोर्टेंट लिंक, ये जो चल रहा है, ए फ्यू अपडेट आइडेंटिफिकेशन ऑनलाइन गाइडलाइन वी डॉट पेंशनर्स हु हैव नॉट रिसीव लॉग इन आई डी अनेबल टू लॉग इन प्लीज रजिस्टर्ड योर ग्रीवेंस ऑन दिस लिंक। तो दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो दिया हुआ है पी सी डी ए पेंशन डॉट एन आई सी डॉट इन पी सी डी ए ऑब्लिक लॉग्ड कंप्लेंट। तो जैसे यहाँ दोस्तों क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। तो दोस्तों आप इसमें अपना ओरिजिनल पी पी ओ नंबर डालें जो आपकी डिस्चार्ज बुक में होगा। आपके पास अगर डी पी डी ओ अगर ट्रेजरी नंबर है तो आप यहां डालेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जो स्टार लगा हुआ है वो चीज़ें भरना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। और यहां पर आप प्रीवियस कंप्लेंट, आपने अगर पहले कंप्लेंट किया इस विषय में तो आप यहां कंप्लेंट आईडी नंबर डालेंगे। लेटेस्ट पीपीओ नंबर आपके पास अगर है स्पर्श का तो डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ अपना डेट ऑफ कंप्लेंट डालेंगे, कौन सी डेट को किया है, आपने नहीं किया है तो आप छोड़ देंगे इसको। ये सारी चीज़ें, अपना अकाउंट नंबर, अपना मेल आईडी, आपका जो नाम है पीपीओ में उस स्पेलिंग के हिसाब से डालेंगे। एक एक शब्द देखने के बाद आपका पर्सनल नंबर, आपका आई कार्ड नंबर, आपका जीपीएफ नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ टाइप करेंगे। यहाँ पर करेक्शन इन पीपीओ, आपका पीपीओ में अगर कोई गड़बड़ है तो करेक्शन के लिए डालेंगे। पीपीओ जनरेट नॉट रिसीव, तो यहाँ पर जनरेट नॉट रिसीव के लिए डालेंगे। नन पेमेंट पेंशन, आपका पेमेंट पेंशन नहीं हुआ है तो यहाँ इसके लिए डालेंगे। लेस अमाउंट ऑफ पेंशन, अगर पेंशन में अमाउंट लेस हुआ है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। आपकी जो भी कंप्लेंट है, अगर आपकी इन सभी से रिलेटेड कंप्लेंट नहीं है तो आप यहाँ से अदर्स चूज करने के बाद अपनी जो है आर ओ पी डी सी ए स्पर्श माइग्रेशन पेंशनर स्पर्श न्यू पेंशनर हैं आप, आपके पास अगर मैसेज वगैरह कुछ रिसीव नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर डालेंगे अपना न्यू पेंशनर्स। आपका बैंक एस बी आई पी एन बी जो भी बैंक का यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो भी है डालेंगे। तो दोस्तों आपकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी अपनी शिकायत लिखनी है रिटर्न में, आप वो यहाँ पर रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद अगर आपने पहले से ही लिख के रखी है किसी डॉक्यूमेंट पर तो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद प्रॉपर तरीके से कैप्चा भरेंगे और कंप्लेंट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के तुरंत बाद दोस्तों आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। 24 घंटे में आपकी कंप्लेंट का रिप्लाई आपके मेल या मैसेज में आपको प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो विष्णु की टैक्स 69 चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।